गुलाम किसी के साथ जा सकता, आजाद किसी के साथ नहीं जा सकता। मैं गुलामे नबी हूं, गुलामे नबी किसी के साथ नहीं जा सकता। वो पना वो ढूंढते हैं जिनको गुलामी करने की आदत। गुलाम नबी आजाद सिर्फ नबी का गुलाम है और किसी की गुलामी नहीं करता। ये कहना किसी का गलत होगा कि आप वहां के हैं यहाँ के, हम हिंदुस्तान के। और मैं, उमर साहब छोटे थे शायद, उस स्कूल में पढ़ते थे, मैंने पहला इलेक्शन महाराष्ट्र से लड़ा, दूसरा इलेक्शन भी महाराष्ट्र से लड़ा, तीसरा इलेक्शन भी महाराष्ट्र से लड़ा, जीता। ये तो यहाँ की बात है, इस एक डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट, और 95% हिंदू में लड़ा, मुसलमान सिर्फ 5%। तो गुलाम नबी आज़ाद, ये तो यहाँ बीच में महाराष्ट्र के और उसके 7 स्टेटें, मैं 7 स्टेटें पार करके भी लड़ सकता हूँ, जीत सकता हूँ और पार्लियामेंट में आया। सर उनका ये भी कहना है कि नहीं, मैं उमर साहब से कोई लड़ाई नहीं करता हूँ। मैं उन तमाम लोगों के लिए कहते हूँ कि वो जो कहते हैं कि वहाँ से क्यों नहीं लड़े, वहाँ से लड़े, उनके लिए तमाम लोगों के लिए कहता, गुलाम नबी आज़ाद महाराष्ट्र से भी लड़ सकता है और वहाँ से भी जीत सकता है, जब मुझे कोई जानता नहीं था। मैं किसी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं था, न नेशनल, न NDA का, न UPA का, न यहाँ का। मैं हमेशा अपना रास्ता खुद बनाता हूँ, दरिया अपना रास्ता खुद बनाता हूँ। ये क्यों पूछते किसका कहना, जिसको कहना वो कहने दो, हम किसी का मुंह बंद नहीं करेंगे। मैं किसी के रास्ते में नहीं आ रहा हूं, मेरा अपना एक सियासी नजरिया है, मेरी एक अपनी सियासी लड़ाई है। वो दिल्ली में भी मैं लड़ता था, यहां भी लड़ता था। अब उसमें लीडरों लीडरों को परेशान होगी, मैं क्या करूंगा। अब मैं किसी के लीडर लिए सियासत तो नहीं छोड़ सकता है? तो ये जब मौका मिला, हमने हिंदुस्तान में नंबर बनाया दुनिया में। मैं पहला आदमी हूं जिस रोलर ने ट्रिपल शिफ्ट की दुनिया में, अमेरिका में भी नहीं है, जापान में भी नहीं। प्राइवेट वाले करते होंगे, लेकिन सरकारी इदारे बनाने का दुनिया में पहला आदमी हूँ जिसने ट्रिपल शिफ्ट बनाया। दुनिया का पहला आदमी हूँ जिसमें नया कानून बनाया ये डिफेक्शन का। बाकी मैं आधा डिफेक्शन, 1/3, मैंने यहाँ लिखा कि 100% चीफ मिनिस्टर समेत अगर 100% डिफेक्शन करेंगे तो 100% लूज करेंगे।